2019 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आचार संहिता के लागू होते ही शाहजहांपुर जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। यहां जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने चुनाव आचार संहिता के लागू होते ही बैनर और पोस्टर हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी। साथ ही पार्टी का झंडा लगे वाहनों पर भी सीज करने और उन पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी का कहना है कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयोग के निर्देश मिलते ही जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक एस चन्नप्पा दलबल के साथ सड़क पर निकले और नेताओं के बैनर और पोस्टर उतरवाना शुरू कर दिए। इस दौरान दोनों अफसरों ने पुलिस बल के साथ कई वाहनों को चेक किया। पार्टी का झंडा लगे कई वाहनों से झंडा उतरवाया भी गया। इससे पहले डीएम और एसपी ने मीडिया के साथ चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिलाधिकारी का कहना है कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी शाहजहांपुर जनपद में हमारी लगभग 20 टीमें नगर निगम के क्षेत्र में लगी हुई हैं। होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टिंग्स, पोस्टर वो सब हटाए जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी अभी ब्रीफिंग हमारी होनी है। आचार संहिता के बारे में अवगत कराया जा रहा है। जिन भी लोगों ने झंडे बैनर्स लगाए हुए हैं, क्योंकि आज आचार संहिता लगी है, तो पहले उनको अवगत कराया जाएगा सारे नियमों से, और 24 घंटे के अंतर्गत ये पूरा का पूरा इसको डिफेसमेंट की ड्राइव चलाया जाएगा। किस तरीके की कड़ी कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं करेगा तो उस पर वो आरपी एक्ट के अंतर्गत उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे। और जो आयोग की मंशा है कि हर वोटर अपना निष्पक्ष तरीके से मतदान हो, उसको पूरा पालन कराएंगे।